वी द पीपल, हम भारत के लोग। जुड़ना है, जोड़ना है, एक ही काम है बस। ये महीनों चलेगा क्योंकि भारत बहुत बड़ा है और समण समाज बहुत ज़्यादा है। इस बात को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने में भी बहुत समय लगेगा कि जुड़ना है, जोड़ना है कोई कार्यक्रम है, एक बस एक सूत्र का कार्यक्रम है, एक पॉइंट का एजेंडा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अंग्रेजी में बोलते हैं CMP। भाई हमारा एक ही CMP है, एक ही सूत्र है, जुड़ना है और जोड़ना है सबसे पहले, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, भगवान बुद्ध ने संघ बनाया और जितने महापुरुष हुए हैं वो सारे के सारे संगति के लिए बोलते हैं, सत्संग के लिए बोलते हैं, संगत के लिए बोलते हैं। तो ये जो जुड़ना और जोड़ना है, नाम बहुत छोटा है मगर काम बहुत बड़ा है। तो कैसे करना है? अभी जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें सबसे पहले जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम जागृत लोग हैं, जगे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिमान हैं, ये तो समय बताएगा क्योंकि पहले उन्होंने कितना अपने आप को बुद्धिमान होने का प्रमाण दिया है और आगे कितना देंगे। तो सबसे पहले ऊर्जा एनर्जी उन लोगों के साथ खर्च कर रहे हैं, हर एक जो जगा हुआ व्यक्ति है उसको कह रहे हैं कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ, जगे हुए आदमी का, जो समझदार आदमी है उसका ये पहला काम है। बहुत सारे संगठन ऐसा कहते हैं और बहुत सारे लोग उनके मुंह में फंस जाते हैं, यानी कि उनको संगठनों से राग हो जाता है और वो अपने संगठन के अलावा किसी और के संगठन को संगठन ही नहीं मानते, तो संगठित होने का विचार उन्हें आता नहीं है। तो ये विचार उन्हें देना है कि भाई आपके संगठन भी जब सारे संगठित होंगे, आप जब सारे जागृत लोग इकट्ठे होंगे तब फायदा होगा, और आप भी यही कहते हैं सबसे कि संगठित हो जाओ। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को, जो भी जिसको जानता है, जिसको मानता है कि ये जागृत है, ये समझदार है, उसके पास जाना है। भारत में एक समण समाज का संगठन जो 78 में चलता है उसको जागृत संगठन माना जाता है कि ये जगा हुआ है, और वो कहते हैं कि हम जन जागृति का काम करते हैं और हम लोगों को जगाते हैं, वैचारिक जगाना हमारा काम है। इस बात का उन्हें बड़ा अभिमान भी है, होना भी चाहिए क्योंकि इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। मगर उस जो जगे या जगे हुए जो लोग हैं उनके खंड खंड और टुकड़े टुकड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग इस बात के लिए मुझसे कहते हैं कि जी आप बार बार कहते हैं कि इनके 26 टुकड़े हो गए, 26 टुकड़े हो गए, कौन से 26 टुकड़े हो गए? इसलिए बताना जरूरी है कि आपको एहसास होना चाहिए कि आपके टुकड़े हैं, तब आप जुड़ने का सोचोगे। जब आपको बीमारी का ही नहीं पता है तो आप दवाई क्या लोगे? जब आपको लगता है कि आपका संगठन ही पूरे भारत में संगठन है तो फिर आप और लोगों से बात करने का सोचोगे भी क्यों? तो जो व्यक्ति बार बार कहते हैं कि कौन से 26 संगठन हैं, मैं उनको 27-28 बता देता हूं कौन से हैं कौन से नहीं हैं। BSP, बामसेफ, बामसेफ काशीराम, सुरेश राव ग्रुप, गंगाराम, अंबेडकर ग्रुप, दद्दू प्रसाद ग्रुप, बोरकर ग्रुप, झल्ली ग्रुप, मेसराम ग्रुप, ताराराम मेहना ग्रुप, अभिराम मलिक ग्रुप, अतरवीर ग्रुप, सुभचन राम ग्रुप, DD कल्याणी अभी रहे नहीं है उनका ग्रुप, प्रोफेसर गुरनाम सिंह पंजाब में उनका ग्रुप, माने मानका ग्रुप, विजय मल्ला केरल में उनका ग्रुप, मूल निवासी एक DP सिंह चलाते हैं उनका ग्रुप, एक आवाम संघ का ग्रुप, एक लक्ष्य का ग्रुप, एक भाई तेज सिंह का ग्रुप, एक गंगावड़े जी का ग्रुप है जो अभी बूढ़े हो गए मगर वो अब बोरकर ग्रुप में शामिल हो गए। अच्छी बात है, कम से कम दो लोग तो साथ आए। AK मौर्य बहुजन सोशल फ्रंट ग्रुप, कोलोबी हैदराबाद में अभी 2-3 महीने पहले वो एक्सपायर हुए हैं, एक उनका ग्रुप। सुरेश चंद चंबा घाटी में हिमाचल प्रदेश में उनका ग्रुप, वैचर भाई राठौर उनका ग्रुप, मूलचंद ग्रुप, और मध्य प्रदेश में जो आप जानते हैं जो कांग्रेस में चले गए उनका एक ग्रुप। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप की जानकारी जो हम ले रहे हैं और पूरे स्टेटों में पता कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा लिस्ट है, ये तो फिर 29-28 हैं। ये सारे वो धड़े हैं मेन जो बामसेफ से सीखे, मगर बामसेफ से ये बात नहीं सीखे कि संघ को नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब उन्होंने आधा विचार लिया, आधा विचारक हैं वो लोग, और उनको ये भी नहीं सीखे कि अगर गलती से टूट जाए तो जुड़ना कैसे होता है, जुड़ना भी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ग्रुप ऐसे हैं जो चारों तरफ टूटे पड़े हैं। आप अगर देखोगे तो संत हैं, बाबा हैं, जो महापुरुष हैं उनके बहुत सारे ग्रुप हैं, जगह जगह उनके सत्संग चलते हैं, जगह जगह उनकी सभा चलती हैं, जगह जगह उनका पूरा का पूरा जो संगत है वो बैठती है, उनके डेरे हैं, उनके बहुत सारे मठ बने हुए हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं।
जो आप देखोगे ध्यान से कि बुद्ध का जो भगवान बाबा साहब ने बताया था कि भगवान बुद्ध का उनके बहुत सारे बुद्ध विहार बने हुए हैं, सबने अलग अलग मठ टाइप का बना रखे हैं। बहुत सारे भिक्खु हैं जिन्होंने अपना अलग अलग मठ टाइप का बना रखा है, कोई भिक्खु संघ है नहीं। सरकारी कर्मचारियों के जितने भी संगठन हैं उनके अलग अलग नेता हैं और वो आपस में नहीं मिलते, मिलने का नाम है, और उनको मिलाने वाले भी कई ग्रुप हैं, यानी संघों का परिसंघ, महासंघ, बहुत सारे इनके नाम हैं जो चलते हैं पूरे इंडिया के अंदर। एक एक डिपार्टमेंट में चार चार भी सोसाइटियाँ हैं, चार चार भी कमेटियाँ बनी हुई हैं, चार चार भी फेडरेशन हैं, चार चार भी संघ बने हुए हैं, चार चार ग्रुप बने हुए हैं एक एक डिपार्टमेंट में। इसके अलावा एक ही डिपार्टमेंट में 20-20 ट्रेड यूनियन भी हैं, यानी यहाँ ट्रेड यूनियन है वहाँ लाइन लगी पड़ी है ट्रेड यूनियन की, नंबर नहीं है एक एक डिपार्टमेंट में। तो इस तरह से ये जो संख्या है, क्योंकि खाली बाम सिर्फ 0.1% है पूरे संगठनों का, 0.1%। भारत बहुत बड़ा देश है और भारत में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस तरह के समर संगठनों के काम कर रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा लोग हैं, मगर वो जागृत नहीं है, सोए हुए लोग हैं, क्योंकि उनको पहली समझ नहीं है कि उनको संगठित होना है, मगर उनको इतना समझ है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लीडर हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर सभी के लीडर हैं, इससे फ़ायदा होगा। आप अगर बाबा साहब के सच्चे लीडर हैं तो उनकी बात मानिए कि संगठित होना है तो संगठित होने का सोचना चाहिए। इसके अलावा जितने भी लड़कों ने दल बल सेना संगठन पैंथर पार्टियां, जो युवाओं ने युवा दल शक्ति फोर्स सेना सिपाही ये सब बना रखे हैं, ये बड़े सारे हैं, क्योंकि युवाओं में एक जोश है, उनको लगता है कि हर एक युवा काशीराम बन सकता है, हर एक युवा मुख्यमंत्री बन सकता है, हर एक युवा कुछ क्रांति कर सकता है। कोई ट्रेनिंग नहीं है उनको, मगर अच्छा है कि कुछ नाम ही सीखे, भले ही एक नाम ही लेके, एक किताब ही लेके, एक झंडा लेके वो चल रहे हैं, एक गले में पट्टा या दुपट्टा डाल के चल रहे हैं, चलो कुछ तो कर रहे हैं, मतलब विचारधारा का उन्हें परिपक्वता नहीं है मगर जोश पूरा है। तो उनसे भी कहना है कि भाई आप सारे इकट्ठे हो जाएं, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं आपके जोश का और आपके इस उमंग का, ये सब बेकार होने वाला है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें हजारों लोग हैं, जो एग्रीकल्चर में मजदूर हैं उनमें हजारों लोग हैं, जो इंडस्ट्री में मजदूर हैं उनमें लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं। फिर कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे प्रोफेशनल हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, महिलाएं हैं, ये सारे सेक्टर हैं, हमारे कल्चरल लोग हैं जो कल्चर में काम करते हैं, ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे ही इकट्ठे करने हैं, इसलिए काम कोई छोटा है नहीं। इसके अलावा जो कबीर भवन हैं या जो रविदास भवन हैं या जो वाल्मीकि भवन हैं या जो अम्बेडकर भवन हैं या जो हमारे महापुरुषों के या सतनामी भवन हैं या हमारे बाबा गाडगे के भवन हैं या जो नामदेव के भवन हैं या जो बुद्ध विहार हैं, ये सारे के सारे भी इकट्ठे होने हैं। अगर ये सारे इकट्ठे नहीं होते हैं तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, समाज की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो काम भी है। ये सारे लोग जितने भी हैं ये सब समर समाज के पार्ट हैं। तो अगर बाम सेफ अपने 28-29-30 लोगों को जो ये अलग अलग नाम से चलाते हैं, काशीराम साहब से ट्रेनिंग लेके इनको इकट्ठा कर भी लेती है, वेल एंड गुड, क्योंकि वो वैचारिक अच्छा है, मजबूत है, इसके बाद काम और ज़्यादा बढ़ता है। तो वो काम करें क्योंकि उन्होंने काम करने की जिम्मेदारी ली है, वो खुद उन्होंने ये कहा है कि हम इस काम को करेंगे, किसी ने कहा नहीं है। समाज ने कभी किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कहा, मुझे भी नहीं कहा कि आप ये काम करो, उन्होंने अपनी इच्छा से काम लिया है, अपनी स्वेच्छा से काम लिया है, तो उनको ये काम करना चाहिए, उनको ये काम आगे बढ़ाना चाहिए, उनको ये काम ही खुद ही करना चाहिए। इसलिए सारे के सारे लोग जितने भी हैं इस लक्ष्य में लग जाएं, इस जो पॉइंट है हमारा, जो हमारा एक मिशन या जिसको एक ये कहें कि ये काम है कि जुड़ना है, जोड़ना है, उसके लिए सारे के सारे लोग फेविकॉल बन जाएं। काम बहुत ज़्यादा है, संगठन जोड़ने का, संगठनों को बात करने का, लोगों को बात करने का, उन कार्यकर्ताओं को बात करने का, उनको समझाने का, उन तक ये बात पहुंचाने का कि भाई जब तक इकट्ठे नहीं होगे सब बेकार है, कहीं कुछ नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा जो चतुर लोग हैं जिनको इकट्ठा नहीं होना है, सिर्फ बातें बनानी है, उनकी पहचान मैं बता देता हूँ। वो जो लोग इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं वो आपसे उद्देश्य पूछेंगे, आपसे प्लान पूछेंगे, कैसे करोगे ये पूछेंगे, आगे क्या होगा ये पूछेंगे, क्या करोगे ये पूछेंगे, आपका नेता कौन है ये पूछेंगे, वो पुरानी घिसी पिटी बातें पूछेंगे, क्योंकि उन्हें जुड़ना नहीं है और जोड़ना भी नहीं है, उन्हें बिखेरना है, वो बिखरे हुए लोग हैं। इसलिए ऐसे लोग आ जाएं तो आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमारा तो कोई नेता है नहीं, सबको पता है, हमारा तो संविधान ही हमारा नेता है, उसमें जो लिखा हुआ है वही हमारा नेता है, जो भगवान बुद्ध के विनय पिटक में लिखा हुआ है वही हमारा नेता है, जिससे बड़े बड़े लोगों ने संगठन बनाए हैं वही हमारा नेता है। हमारा पहला उद्देश्य है कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं। तो दूसरा उद्देश्य क्या है,
दूसरा उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाएगा। इकट्ठे होते ही लाखों काबिल लोग हैं जो आ जाएंगे, लाखों काबिल लोग हैं, लड़के काबिल हैं, लोग IIM पढ़े हुए हैं, लोग इंजीनियर हैं, लोग डॉक्टर हैं, लोग वकील हैं, वो किस काम आएगी ऊर्जा? कोई फारसी की आंख तो है नहीं, सारे पढ़े लिखे हैं तो अपने आप संभाल लेंगे काम को। और अगर वो अपने आप काम को नहीं भी संभाल पाते हैं तो ऐसे लोगों का फायदा नहीं है। अगर आपको काम संभालने का कोई हिम्मत नहीं है या आप काम संभालने की एबिलिटी नहीं है तो आपका मरना तय है, तो आप वैसे ही मारे जाओगे। इसलिए ये फिक्र छोड़ देनी चाहिए कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि प्रेजेंट में जीना चाहिए। अभी पहला काम है हमको इकट्ठे होना। आप जब इकट्ठे हो जाओगे तो उद्देश्य, जो लाभ, जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हो, वो सारी की सारी प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा ही पहले हुआ है बुद्ध के समय, ऐसा ही हुआ है जब बाबा साहब के समय हुआ था, और ऐसा ही हुआ जब काशीराम जी ने इकट्ठा किया, और ऐसा ही बाद में होगा। यही सत्य है, यही सनातन है। धन्यवाद।